स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल हिमतक पर। तो आज है 24 मार्च और आज हम आपको ये बताने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जितनी वैकेंसी अभी भरी जा रही है, ठीक है, उनकी लास्ट डेट जो है 29/3/2019 है, ठीक है। 29 मार्च तक आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसी कौन कौन सी वो जानकारी हम आपको आज देंगे। तो एग्जामिनेशन नेम जो है वो प्रोफेसर, ये वैकेंसी भरी जा रही है, ठीक है। जनरल सर्जरी के कम्युनिटी मेडिसिन की वैकेंसी है, माइक्रोबायोलॉजी की पोस्ट है, ठीक है, पैथोलॉजी की पोस्ट है निकली हुई प्रोफेसर की। और पूरी जो जानकारी वो हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में इसका, ठीक है। तो यहीं से आप फिर इन वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम आपको एक छोटा सा डेमो बता देंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी में हम आपको बता देंगे, ठीक है। अंत में आप या बीच में देख लीजिएगा कि इस प्रकार से आप ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये वैकेंसी जो भी निकली है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, इनको आप देखिएगा। जो SPPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही उपलब्ध है, वहीं पे आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये वैकेंसी जो थी इसको नोटिफिकेशन डेट जो थी 9 मार्च को जारी की गई थी, 29 मार्च आज लास्ट 3 दिन के बाद इसकी लास्ट डेट है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दे, फिर बाद में आप ये ना कहो कि आपने हमें लेट बताया। तो ये वैकेंसी भरी जा रही है प्रोफेसर की, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी भरी जा रही है। मेडिकल की ये वैकेंसी है और इसके साथ साथ कुछ अदर वैकेंसी भी है इसमें जो भरी जा रही है। एक बार आप जो नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, उसको आप चेक करिएगा या डायरेक्ट आप किस प्रकार से इनको देख सकते हैं, ठीक है, वो हम आपको जानकारी देंगे। तो ये नोटिफिकेशन आई हुई है और इतनी ये जो वैकेंसी है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि कितने वैकेंसी है, ठीक है, 70-80 पोस्ट ये भरी जा रही है। तो अगर आपको लगता है कि किसी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। अब हम मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो एक बार लास्ट तक देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप ये वेबसाइट ओपन करोगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है तो फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो आपने यहाँ जाना ऊपर जो आपकी स्क्रीन पर टॉप पर आ रहा है ये न्यू यूजर साइन अप हेयर, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और फिर ये आपको आ जाएगा, ठीक है। इतनी बड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं है। एप्लीकेंट नेम भरना पड़ेगा आपको पहले उस पर, ठीक है, सीरियल नंबर 1 देखिएगा। यूजर नेम जैसे आप फेसबुक का आपका यूजर नेम होता है एक, ठीक है, वो आपको भरना है। इधर मान लो आपका नाम सपना है तो सपना जो भी उसमें आप यूजर नेम लगाना चाहते हो 770 सपना 770। फिर उसके बाद पासवर्ड आप जनरेट कर दीजिएगा और पासवर्ड जो है आपको ऐसा रखना कि इससे कोई ओपन ना कर पाए आपको, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी जो होती है उसको कोई खोल ना पाए। उसके बाद सेम पासवर्ड आपको लगाना है कन्फर्म पासवर्ड में, ठीक है। कैटेगरी आप सेलेक्ट करिएगा कौन सी कैटेगरी से है, जनरल स्टेट कास्ट सॉरी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स OBC WFF या एक्स सर्विसमैन, ये आपको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जेंडर जो है इनको आप देख लीजिएगा मेल फीमेल है क्या आप वो भरना है, ठीक है। उसके बाद जो ईमेल आईडी है जो आप यूज़ करते हैं जिससे आपको जितनी भी आपने रजिस्ट्रेशन की है उसकी मेल वगैरह आती है वही आप यहाँ पर भरेगा, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है सिक्योरिटी क्वेश्चन भरेगा, ठीक है। तो वट वाज योर चाइल्ड हुड नेम निक नेम क्या नाम था आपका वो आपने भरना है इधर, ठीक है। तो सिक्योरिटी आंसर में वो यहाँ पर नाम आप भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है या आप जो ये आपको कैलेंडर जैसा आ रहा है इसको आप देख लीजिएगा, यहीं पे आप क्लिक करके पूरी जो जानकारी वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम आपको बताते रहेंगे। फिर उसके बाद आपने पूरा जो सब कुछ ये भर लीजिए, क्रिएट यूजर नेम पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। आपको एक बार हम बता देते हैं कि वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट है hppsc.hp.gov.in, ठीक है, ये वेबसाइट है, इसी पे आपको ये भरना होगा, ठीक है। hppsc.hp.gov.in यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो वैकेंसी निकली हम आपको ये बताएंगे कि आप एक बार उनको देख लीजिएगा, अगर आप हो सकता है किसी वैकेंसी की जो भी पोस्ट भरी जा रही है उसके लिए आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्शन के बाद आपके एग्ज़ाम हो गए और जिन पोस्टों का भी एग्ज़ाम होने वाले एलाइड हो गया क्लर्क हो गया
HAS की वैकेंसी जो निकली थी उनमें जो इसके एग्ज़ाम प्रीलिम वगैरह होंगे वो उनकी डेट घोषित कर देगी। 7 अप्रैल को आपका एलाइड होगा, 28 को क्लर्क का और 26 मई को आपका HAS का एग्ज़ाम होगा। तो आप बने रहेंगे मेरे साथ हिम तक इस यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतने नमस्कार, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया ठीक है तो आपको हम एक बार और बता देते हैं, ये आपको बता दिए ठीक है। साइन अप आपने जो रजिस्ट्रेशन अगर कर लिए तो साइन अप पर लॉगिन पर आप क्लिक कर सकते हैं ठीक है। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करनी वो मैंने आपको बता दिया। अब जो है इधर मैंने आपको बताया सपना 770 पासवर्ड आपने अपना फ़ोन नंबर रख दिया ठीक है, तो वो फ़ोन नंबर आप यहाँ पर डालो या जो भी आपने पासवर्ड लगाया वो डालो, लॉगिन पर क्लिक करो। उसके बाद जो हम आपको दिखा रहे थे कि अप्लाई हेयर वो आपको आ जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, पूरी जानकारी जो भी मांगते हैं ऑनलाइन वो आप फ़ोन से इसको भर सकते हैं ठीक है। तो बने रहिएगा हिम तक के यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतने नमस्कार, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।